तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरुशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना hmm. और धन्यवाद करता था hmm. वैसे ही तब भी करता रहा तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गड़गड़ाते हुए पाया Amen. may the holy spirit bless our hearts और सोने दे पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों को आशीषित करे as we meditate on this passage जैसे कि हम वचन के इस भाग पर मनन करते हैं what are the most important truths that we learn जो वो महत्वपूर्ण सच्चाईयां हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं we learn learn about uh, daniel हम सीखते हैं daniel के विषय में as a mighty man of prayer और एक बड़े ही सर्व, एक शक्तिशाली प्रार्थना करने वाला मनुष्य so the the the

Constant. कि अपने प्रार्थना के जीवन में डैनियल निरंतर आगे बढ़ रहा था इन अदरवर्ड्स डानियल फ्रेड एट ऑल सीजन कि दूसरे शब्द में डैनियल हर प्रकार के मौसमों में प्रार्थना करता है एक बंदी होने के द्वारा ही है और उसने प्रार्थना की अधीन रहकर प्रार्थना और उस समय वो राजा चीफ ऑफ ऑफ ऑफुकने और नबुकटनाइर का जो खजाना था उसका मुख्य सचिव भी वही था prayed, और उसने प्रार्थना किया नाउ अंडर द ग्रेटेस्ट डेंजर थ्रेट और इतने बड़ी धमकियों और भयानक डर के बीच में उसने प्रार्थना किया दट वी रेड और इसी now. बात को हमने अभी पढ़ा that शो यू वो किस बात को दिखाता है What इज द मैसेज वो क्या संदेश देता है Daniel's life.

की प्रार्थना थी अन इज फेसिंग द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ इस लाइफ और अभी वर्तमान में वो अपने जीवन का सबसे भयानक खतरा का सामना कर रहा था

भजन पचपन और उसका सत्रवा अध्याय सांझ को भोर को दोपहर को तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा मॉर्निंग वो सांझ में या सुबह प्रार्थना कर और वो दोपहर में प्रार्थना करता था और वो शाम को प्रार्थना करता था और यही उसकी आदत थी नाउ इवन व्हेन हिज एनिमीज वर वाचिंग और यहाँ तक कि अब जब उसके शत्रु उसे देखते थे दे वेटिंग टू कैच हिम इन द एक्ट और वो तो इंतजार कर रहे थे कि उसे इस कार्य में पकड़ ले बिकॉज़ दैट वाज द लॉ एट दैट दैट नोबडी शुड प्रे टू एनी अदर गॉड देन Image. कोई और किसी दूसरे देवी देवता की आराधना या उपासना नहीं करेगा सिवाय उस आ, मूर्ति के जो नबुकट नैजर ने बनवाई है नाउ डानियल वुड नॉट केयर फॉर दैट लेकिन डानियल को इस बात की कोई चिंता so नहीं। तो इसलिए जिस प्रकार से वो प्रार्थना oh, उसने ऐसा नहीं कहा या सोचा कि अरे मुझे एक खास प्रार्थना प्रार्थना का प्रातना और उपवास का दिन रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसके शत्रु तो उसको उस कार्य में पकड़ने के लिए तैयार थे He saw him in the morning, और वो उन्होंने उसे सुबह देखा और देखा कि वो अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहा है कि वो परमेश्वर की दया के लिए उसका धन्यवाद करता है saw him at noon, और उसे दोपहर में भी लौटते हुए देखा on his knees, अपने घुटनों पर टू गिव थैंक्स फॉर गॉड्स मर्सी परमेश्वर की दया और करुणा का धन्यवाद कर सके एंड देन अगेन और उसके बाद फिर से दे हिम कमिंग बैक टू अपर चेंबर कि उसे फिर से ऊपरी कोठरी की ओर जाते हुए देखा इन इवनिंग और शाम के समय और देखा कि फिर से वो अपने घुटनों पर है So his prayer was constant His prayer was regular and thirdly his prayer was believing प्रातना प्रातना He थी. opened the windows of his door his, uh, his room his bedroom. कमरे की 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 जो कोट्री, कोट्री की जो कोठरी कोठरी ऊपरी उस दिशा की दिशा ओर जिस में यरूशलेम नगर था खोली थी। ंगस चैप्टर आप पहला राजा उसके आठवें अध्याय को पढ़े द सेम थिंग हम इसी बात को पढ़ते हैं। पढ़े लुकिंग टूअर्ड्स द टेम्पल इन और इसी बात को वे सब मंदिर के जो दिशा की ओर देख कर प्रार्थना करते थे और हम देखते हैं किस प्रकार से पहला राजा आठवें अध्याय में कि दाउद ने अपने हाथों को उठाया उस पवित्र मंदिर की ओर एंड रीड सेवन और हम पढ़ते हैं भजन पांच और उसके सातवें भाग में परंतु तू भी भजन पांच और उसका अध्याय सातवा वचन परंतु मैं तो तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा और तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा yes, again, Psalm 28, verse 2. और उसके बाद भजन अट्ठाईस और उसका दूसरा वचन जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं तब hmm. मेरी गिड़गड़ाहट की बात सुन ले। That's the way they used to pray, serious people और इसी प्रकार से वो गंभीर लोग ऐसे प्रार्थना करते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक वादा दिया है इन दी गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर फिफ्टीन वर्स सिक्सटीन और यहुन्ना रची सुसमाचार उसका पंद्रवा अध्याय सोलवा वचन तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे 16, 23. उसके पश्चात सोलवा अध्याय और तेईसवा वचन इस प्रकार कहता है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा या yeah.

He was not afraid to pray, like in Nehemiah in chapter six, verse जैसे नेहमाया के विषय में हम पढ़ते छठा अध्याय ग्यारवें वचन में. And we thank God for the open heaven above us. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का उस खुले हुए स्वर्ग के लिए जो हमारे ऊपर. For God's people, there is a heaven open. क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए एक स्वर्ग खुला है. We can pray any time. हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं. All the time. और हर समय. And we don't need to. Uh, specially arrange a day in a special place in a sitting in a special manner Or hame ek khas din khas reeti se khas samay mein baithne ki zarurat and uh, that's we need to learn to pray fearlessly aur hame nidar hokar ke because god who hears will also answer kyunki wo and uh, and uh, fifthly

1 थिस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18 और पहला थिस्सलोनिकियों की पत्री पांचवा अध्याय 17वां और 18वां वचन फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय छठा वचन एंड लेट अस रीड दैट लास्ट वर्स और आइए हम अंतिम वचन को पढ़ें फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय और छठा वचन रेफरेंसेस यू मे रीड टू नाइट बिफोर यू और जो अगली जो और वचन मैंने आपको दिए हैं वो आज आप सोने से पहले उन्हें पढ़िए फोर सिक्स फोर सिक्स फिलिपो की पत्री चौथा अध्याय छठा वचन किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सुमक उपस्थित किए yeah, और इसी रीति से हमें प्रार्थना करना है और एक और तरीका है उत्साह के साथ आनंद के साथ परमेश्वर का ने दिया। And, uh, lastly, और में उसने लो लगा करके प्रार्थना करी

is prayer intensified और ये इसका मतलब है वो प्रार्थना जो बड़े गहन रूप से हम करते In other हैं is pleading और ये दूसरे शब्दों में घिड़-घिड़ाकर गिल is entreating और वो गुहार लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना द बेस्ट एग्जांपल इज जीसस और हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है खुद प्रभु यीशु मसीह लुक एट हेब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 और इब्रानियों की पद इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 7वां वचन यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आ, और आंसू बहा बहा कर उससे वह उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई

इन जीसस ने यीशु के नाम में आमीन आमेन गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाई और बहनों परमेश्वर आपको दिस इज अ ग्रेट डे एक महान दिन है एंजॉय योर लाइफ एंड ग्लोरीफाई गॉड रिमेंबर जीसस लव्स यू अपने जीवन का आनंद लें ये जानते हुए कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है आमीन आमेन